तो आज मैं बनाऊंगी इस मक्के के स्वादिष्ट चटपटे। तो ब्लॉग की शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है कि मोहल्ले के सारे बच्चे हमारे दरवाजे पे खेल रहे थे और राहुल तो गिट्टी से पुराने जमाने के खेल खेल रहे थे जिसे हम लोग बहुत ज्यादा खेलते थे। और दोस्तों, क्या आप लोग ये गेम खेले हैं और इसे क्या बोलते हैं हमें जरूर बताना। उसके बाद चांद भुजा भूजी थी तो हम लोग बैठ कर भुजा खाए। उसके बाद मैं खाना बनाकर घर आंगन को साफ कर लिया। अब शाम को दिव्यांश के पापा बाजार से सब्जी लेकर आए थे तो मैं सब्जी को इकट्ठा करके इस डलिया में रख लिया। अब दिव्यांश के पापा मक्के भी खरीद कर लाए थे तो आज मैं इसके चटपटे बनाऊंगी। तो चटपटे बनाने के लिए मैंने मक्के को छील लिया और फिर चूल्हे में आंच जलाई और कढ़ाई में पानी हल्दी पाउडर डालकर मक्के को उबाल लिया। अब मक्का उबल गया तो मैंने मक्के के दाने को निकाल लिया। उसके बाद मैं प्याज, हरी मिर्च, खीरा और टमाटर को काट कर इसमें डाल दिया। उसके बाद एक रमपम के पैकेट को भी अच्छे से तोड़ कर डाल दिया। फिर इसमें रमपम मसाला और चाट मसाला डालकर कुछ इस तरह से अच्छे से मिला लिया और बनकर तैयार हो गयी स्वादिष्ट चटपटे।